Kusum. आप इनके बारे में कुछ ना ही कहे तो अच्छा होगा. And by the way, I know how you operate, so please. Hey, let's leave the argument in the court, huh? वैसे भी मुझे रिश्तेदारी समझाने की कोई जरूरत नहीं. तुमने कितने रिश्ते निभाए ये मैं अच्छी तरह से जानता हूँ. और आपने अपने रिश्ते कितनी अच्छी तरह से निभाए वो भी मैं अच्छी तरह से जानती हूँ. तुम्हारी माँ एक नाचने वाली थी कल, और उन्हें इस घर में शादी करा के इसलिए लाया गया था क्योंकि इन्हें उससे सिर्फ एक बच्चा चाहिए था. करीब उस दिन के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ. रहने दीजिए, जस्ट फॉरगेट इट. ये सच्चाई कभी ना कभी तो मेरे सामने आ ही जाएगी. मुझे उस बात का दुख नहीं है, मुझे इससे भी ज्यादा उस बात का दुख है कि आपने मेरी माँ पर ही इल्जाम लगाया. और आपको आपको ये सारी बातें कोर्ट में प्रूफ करनी होगी. कहाँ गए सब लोग? वॉचमैन, वॉचमैन, कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा? और कोई गाड़ी भी नहीं? आज हुआ क्या सबको? अभय का फोन भी नहीं लग रहा. उपेंद्र सब लोग हैं का? ये हो क्या रहा? सर मुझे भी नहीं पता. मैं भी जब ऑफिस आया तो ऑफिस बंद था. मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. ठीक है, सिक्योरिटी से डुप्लीकेट की ला और मेरा कैबिन खुला. ओके सर. केस की कार्रवाई शुरू की जाए. योर ऑनर, एक्सक्यूज मी. योर ऑनर, मेरे मुवक्किल मिस्टर अभय कपूर अब द कोर्ट नहीं पहुंचे. मिस्टर अभय कपूर इस केस में एक एक्यूज्ड है. एंड व्हाई ही इज नॉट हियर? योर ऑनर, वो घर से निकल गए हैं लेकिन अब तक यहां पहुंचे नहीं. इंस्पेक्टर, मिस्टर अभय कपूर अभी तक आए क्यों नहीं? हाँ देखता हूँ सर. सबको फोन करो. आई वांट एवरीवन हियर. यस सर. एक्सक्यूज मी, हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से आए एंड दिस इज अ रेड. क्या? लेकिन आई एम सॉरी, जब तक रेड खत्म नहीं हो जाती यू आर नॉट सपोज टू लीव द ऑफिस प्रीमाइसेस. सील कर दो सब कुछ और आप रिकॉर्ड्स बताइए प्लीज. Your Honor, I think the court has waited enough. We should declare Mr. Abhay Kapoor absconding. Objection, Your Honor. Objection overruled. I think the prosecution is right. Mr. Abhay Kapoor is case mein ek mujrim hai aur unhe court mein hazir rehna hi chahiye. I declare warrant against Mr. Abhay Kapoor. Unhe jald se jald hirasat mein le liya jaye. इस केस की अगली कार्रवाई मिस्टर अभय कपूर की गिरफ्तारी के बाद ही होगी. टिल दैट टाइम द कोर्ट इज एडजर्न. क्या होगा मिस्टर गर्व सचदेव? What do you do now?
गर्व, अब क्या होगा? पापा कहाँ गए होंगे? और उन लोगों को पापा को अरेस्ट करके क्या मिलेगा? गर्व, गर्व तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? कुछ बोलो गर्व, प्लीज गर्व। क्या बोलू? तुम्हारे पापा का इयररिंग के दिन गायब हो जाना, तुम जानते हो कितना बड़ा गुनाह है? कल ही ये केस हमारे फेवर में जा रहा था और तुम्हारे पापा ने ये कर दिया। I just want some... कल ही अब मुंबई की सारी पुलिस उनके पीछे लग जाएगी यार। हम कुछ नहीं कर सकेंगे कल ही, कुछ नहीं कर सकेंगे। घर में तो कोई नहीं है, कहाँ चले गए सब लोग? राम सिंह जी, सब लोग कहाँ गए? माँ जी कुछ बता के नहीं गए, लेकिन सब बहुत परेशान लग रहे थे, शायद ऑफिस जाने की बात कर रहे थे। ठीक है, तुम जाओ ऑफिस इस वक्त। कुसुम, मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। चलिए मामी जी, हम लोग वहीं जाकर देख लेते हैं। मैं सोहन को बोलती हूँ गाड़ी पार्क ना करे, आप आइए। अरे बल, ये सब क्या हो रहा है? आप यहाँ। इन लोगों का कहना है कि हमारी कंपनी के टैक्स में बहुत प्रॉब्लम्स है, सेल टैक्स और सब। मुझे तो समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है। लेकिन टैक्स और बाकी चीजें सब अभय ही संभालता था। अच्छा अंकल, करोड़ का हेर फेर। अरे मन, अभय कोर्ट भी नहीं पहुंचा, वहां जज ने उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट इश्यू किया है। एक्सक्यूज मी सर, एसीपी साहब का फोन है, कैन टेक? थैंक यू। हेलो सोहन, हमने अभय कपूर को अरेस्ट कर लिया है। क्या अभय भाई अरेस्ट हो गए? एसीपी, अगर मैं कहीं गया था तो उसकी कोई वजह होगी, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करते? आई एम सॉरी मिस्टर कपूर, हमारे पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं और हमें उन्हें फॉलो करना पड़ेगा। इट्स अवर ड्यूटी यू सी। टू हेल्प विद द ड्यूटी एसीपी, कोर्ट को क्या पता क्या हो रहा है? मैंने कोई गुनाह नहीं किया, समझे आप? पापा गर्व, इन्हें मेरे बिल के पेपर्स दे दो और मुझे यहां से छुड़वा लो ताकि ये केस सॉल्व कर सको। क्या बात है गर्व? पापा, आपकी एंटीसिपेटरी बेल कैंसिल हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अगर अब कुछ होगा तो कल ही, हियरिंग के बाद। क्या बकवास कर रहे हो, पागल तो नहीं हो गए? ये तुम क्या कहने की कोशिश कर रहे हो गर्व? पापा के जेल में रहेंगे? कली, मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं। पापा, इस तरह आपको इयररिंग मिस नहीं करनी चाहिए। सब कुछ गड़बड़ हो गया, सब कुछ। चलिए मिस्टर कपूर। हेलो, हाँ यस सर, हाँ ठीक है, ठीक है, यस यस, ओके ओके सर, थैंक यू। मिस्टर आरिमन, वी आर वेरी सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, बट इट इज़ आवर रूटीन रेट सर। वैसे आपके सभी अकाउंट्स क्लियर। लेकिन सर, इस रेट की वजह क्या थी? हमारे अकाउंट्स तो हमेशा आपके सामने क्लियर रहते हैं। हमें तो सिर्फ मिस्टर अभय कपूर के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए था, जो उनके अरेस्ट हो जाने से सब सॉल्व हो जाता है। अब जो भी जवाब देना है वो वे ही देंगे। थैंक गॉड, लेकिन आई होप अभय को तो कुछ नहीं होगा ना? आई एम सॉरी, वो तो इंटरोगेशन के बाद ही पता चलेगा। हमें मिस्टर अभय कपूर को बुलाना पड़ेगा क्वेश्चनिंग के लिए, और कम से कम 4-5 दिन लग सकते हैं इंक्वायरी में। चलिए
चलिए आप लोग। आज अभय कपूर अपने कोर्ट की सुनवाई के पहले दिन ही कोर्ट नहीं पहुंचे। इस पर कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तार करने के आदेश दिया है। अभी अभी खबर मिली है कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने अभय कपूर के ऑफिस में रेड की है, वहाँ से भी माही मर्डर केस के बारे में कुछ सुराग मिल सकते हैं। ताज़ा मिली खबर के अनुसार एसीपी साकेत ने अभय कपूर को अरेस्ट कर लिया है। अब देखना यह है कि क्या अभय कपूर ने वाकई माही का खून किया है। इस केस की सुनवाई कल कोर्ट में होगी। मुझसे नाराज है ना पापा, पता नहीं शायद मैं ही गलत हूं, पर ना मेरे पापा जो मुझसे इतना प्यार करते थे वो किसी और के आ जाने से इतना बदल जाएंगे ये मैं सोच भी नहीं सकती। कसूर मेरा ही है, मैं ही दोषी, लेकिन आप भी दोषी है पापा। जब मुझे और मेरी मामा को आपकी सबसे ज्यादा जरूरत थी तब आपने हमें बिल्कुल अकेला कर दिया। देखा पापा, जिन लोगों के लिए आपने हमें अकेला कर दिया आज वही आपके खिलाफ होगा। फिर भी मैं आपके साथ हूं। मैं तो चालक नहीं हुआ कली, मैंने तो हमेशा यही चाहा कि तू खुश है, लेकिन तेरी ख्वाहिशों के सामने मेरी कोशिशें हमेशा छोटी रही बेटी। लेकिन ये तो तेरी बचपन से आदत थी, मैं तेरे हाथ में महंगे से महंगा खिलौना क्यों ना डाल दूं, लेकिन तो हमेशा अपना खिलौना छोड़कर दूसरों के खिलौने के लिए जिद करती थी। और मैं हमेशा तेरी जिद पूरी करता था, लेकिन मुझे क्या पता था कि तेरी इज्जत इस हद तक बढ़ जाएगी कि तू दूसरे की माथिका से दूर भी मांग ले। नहीं पापा, ये बात बचपन की कहानी से बहुत अलग है। इस बार मैंने नहीं, किसी और ने मेरा खिलौना छीना, और आज मुझे पहली बार यह एहसास जब आपसे अपनी कोई प्यारी चीज छीन जाती है तो कितनी तकलीफ होती है। ये तो मेरी तकलीफों की शुरुआत थी। उससे मेरा सब कुछ छीन गया, पहले घर और फिर आप। लेकिन पापा, मैं तो अपनी ही चीजों के लिए जिद कर रही थी। आई कांट लूज यू पापा, आई कांट लूज यू। और गर्व को भी मैं नहीं छोड़ सकती, उससे बहुत प्यार करती हूं, बहुत प्यार। मैंने हमेशा सबको खुश करने की कोशिश की बेटा, लेकिन फिर भी सब मुझे नाराज है, और इतना नाराज कि आज मेरी सच्चाई और मेरी ईमानदारी पर शक, मैं आज बहुत अकेला हो गया बेटे, टूट गया, बहुत अकेला हो गया। नहीं पापा, अकेले नहीं हूं, मैं आपके साथ हूं, गर्व आपके साथ। आप अकेले नहीं हो पापा, नहीं हो। बहुत हो गया कुसुम, अब तू घर वापस आ जा। बेटा तू जहां रह रही है ना
वहां तेरे रहने का अब कोई मतलब नहीं है, क्योंकि वो घर अब घर नहीं, कुरुक्षेत्र बन गया है। हाय, कुरुक्षेत्र तो बन गया है वो घर, लेकिन धर्म की इस लड़ाई को मैं अधूरा भी तो नहीं छोड़ सकती हूँ। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने क्या कहा है जानती हो ना? हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन तुम जो करोगी, तुम जो कहोगी, उस पर गीता नहीं लिखी जाएगी, उस पर सिर्फ कपूर खानदान में महाभारत हो जाएगा। आजकल इंसान का भगवान बनना तो दूर, इंसानियत के रास्ते पर चलना भी मुश्किल हो गया है। हमें किसी से कुछ नहीं चाहिए, हमें किसी से नहीं लड़ना है, हमें बस शांति चाहिए, और वो इस शहर में नहीं मिलेगी। नहीं बेटा, हमें ये शहर छोड़कर जाना ही होगा। आई, जब तक मैं माही को इंसाफ नहीं दिला दूंगी, मैं ये शहर छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। कैसा इंसाफ, कैसी लड़ाई, इससे कुछ नहीं होने वाला। अरे तू किसके साथ और कब तक लड़ती रहेगी? माही मर चुकी है, बस तू वापस आ जा, मैं और कुछ नहीं जानती। ये कैसी बातें कर रही हो आप आई? आप तो हमेशा मेरी ताकत रही हो। आपने कहा कि कुसुम सच्चाई के रास्ते पर चलना हमेशा, और आज जब मैं धर्म की लड़ाई लड़ रही हूँ तो आप मेरा साथ नहीं दे रही हो। क्योंकि मुझसे अब ये सब नहीं सहा जा सकता। तू जल्दी से जल्दी घर वापस आ, मैं और कुछ नहीं। आई She is kept under observation. अभी 24 घंटे तक हम कुछ नहीं कह सकते हैं। प्लीज 24 घंटे दादी, दादी आई को हार्ट अटैक आ गया है, वो हॉस्पिटल में है। क्या सुमित्रा जी को हार्ट अटैक? डॉक्टर क्या कह रहे हैं? अभी तक तो कुछ नहीं कहा, वो उन्हें चेकअप करने के लिए लेके गए हैं। कुसुम आंटी ने बस आपको इन्फॉर्म करने के लिए कहा, तो मैं। अच्छा ठीक है, हम दोनों आ रहे हैं वहाँ। ठीक है। मैं आपके किसी भी सवाल का जवाब नहीं देना चाहता, समझे? जवाब तो आपको देना ही पड़ेगा मिस्टर अभय कपूर, वरना आप जानते हैं कानूनन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट क्या कर सकता है। हो जाएगा, कुछ ठीक नहीं होगा। मैंने पूरी जिंदगी मेरी आई को दुख और दर्द के अलावा कुछ नहीं दिया है, और आज डॉक्टर साहब कैसे? पेशेंट फिलहाल तो खतरे से बाहर है। अच्छा तुम आ गए, देखो मुझे नहीं लगता कि गर्व कुछ कर पाएगा, तुम ही कुछ करो और मुझे यहां से निकालो प्लीज। मेरे ख्याल से तुम यही ठीक हो अभय। क्या? हाँ अभय, अब मैं भी नहीं चाहता कि तुम यहां से बाहर निकलो।